हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूवी हाउस। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एंडलेस लव, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। फ्रेंड्स, ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था शाना फेस्टे ने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी मूवी। फिल्म की शुरुआत जेट के ग्रेजुएशन फंक्शन से होती है। डेविड उसे दूर से देख रहा होता है और वॉइस ओवर में बताता है कि वह उसे कितना प्यार करता है। कि तभी उसका फ्रेंड मेज आता है और उससे पूछता है कि तुमने अब तक अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया। अब जेट का भाई कीथ जेट के पास आता है और उससे कहता है कि अब तो अपनी सोशल लाइफ शुरू कर दो, कब तक किताबों में यूं ही सर खपाती रहोगी। और ये कहते हुए जेट की फ्रेंड लिस्ट वाली बुक उससे ले लेता है और फिर पूछता है, बताओ इसमें कितने सिग्नेचर हैं तुम्हारे फ्रेंड्स के। और जेट उससे बुक वापस ले लेती है। अब डेविड और उसका फ्रेंड अपनी रेस्टोरेंट वाली जॉब पर वापस आते हैं और वहाँ कार पार्किंग में कार पार्क कर रहे होते हैं। तभी जेट अपनी फैमिली के साथ कार में आती है और जैसे ही वो कार से बाहर निकलती है उसकी वही साइन वाली बुक नीचे गिर जाती है। डेविड उसे उठाने में उसकी हेल्प करता है और वो एक दूसरे को प्यार से देखते हैं। और डेविड पूछता है कि तुम जेट हो ना, और वो हाँ कहती है। तभी जेट के फादर उसे आवाज लगाते हैं, जेट अब अंदर आ जाओ, और जेट अपने आप को संभालते हुए अंदर जाती है। लेकिन तभी वह वापस दौड़कर डेविड के पास आती है और उसे उसी बुक पर साइन मांगती है। अब दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। जेट अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रही होती है कि तभी उसकी मदर एन उससे पूछती है कि ग्रेजुएशन के गिफ्ट में उसे क्या चाहिए। जेड अपने पेरेंट्स ह्यू और एन को बताती है कि मैं ग्रेजुएशन पार्टी देना चाहती हूँ, और उसके पेरेंट्स मान जाते हैं। अब जेड डेविड को पार्टी का इनविटेशन देने जाती है। डेविड बड़े हैरान होकर बोलता है कि तुम पार्टी भी करती हो। जेड डेविड को बताती है, इन 4 सालों में मैंने सिर्फ पढ़ाई की है और अब मैं अपने कुछ नए फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। और डेविड इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है कि तभी कार पार्किंग में वो शोर सुनते हैं। डेविड का फ्रेंड मेज किसी से बहस कर रहा है कि प्लीज सर चाबी फेंक कर ना दो, हाथ में दो। लेकिन वह रिच लड़का मेज को कहता है कि अपनी अच्छी किस्मत मानो कि तुम मेरी कार में 3 मिनट तक बैठोगे, और यह कहकर वो चाबी फेंक कर रेस्टोरेंट में चला जाता है। ये सुनकर डेविड मेज के पास जाता है कि ठीक है हमारे पास 3 मिनट है, और डेविड कार को स्टार्ट करता है और जेट को भी आवाज लगाकर बुलाता है कि हमारे साथ घूमने के लिए चलो। जेट घबरा जाती है क्योंकि उसने कभी भी पहले ऐसा काम नहीं किया था। अब वह कार लेकर निकल जाते हैं और कार में 3 मिनट की बढ़िया ड्राइविंग करने के बाद वापस आते हैं, जो कि जेट के लिए नया और बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। जेट काफी एंजॉय करती है। वापस आकर देखते हैं कि वही लड़का और होटल का स्टाफ उनका वेट कर रहा होता है। वो उन पर इल्जाम लगाता है कि तुमने मेरी कार चुराई है। लेकिन डेविड कहता है, मैं सिर्फ पार्किंग के लिए अच्छी जगह ढूंढ रहा था। अब वही रिच लड़का जेट और डेविड की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर मस्ती के लिए कार कम पड़ गई हो तो तुम्हारे लिए रूम बुक करवा दूं। ये सुनकर डेविड उसके जबड़े पर एक जबरदस्त गुस्सा मारता है। डेविड का मैनेजर उन्हें तभी नौकरी से निकाल देता है। हंगामे की आवाज सुनकर जेट के फादर आते हैं और डेविड को नोटिस करते हुए जेट को वहां से लेकर चले जाते हैं। अब डेविड अपने पिता के गैराज में होता है। वहां उसके फादर उसे हिदायत दे रहे होते हैं कि बेटा अपने आप को कंट्रोल में रखा करो। ये सुनकर डेविड अपने फादर से बोलता है, आखिर मुझे छोटी मोटी नौकरी करने की जरूरत ही क्या है, आफ्टर ऑल मैं इतने बड़े गैराज का मालिक हूँ। अब डेविड जेट की पार्टी में पहुंचता है और नोटिस करता है कि वहाँ ज्यादातर जेट के पेरेंट्स के ही फ्रेंड होते हैं। अब डेविड अपना दिमाग लगाकर सारे फ्रेंड्स को जेट की पार्टी में बुला लेता है। पार्टी में रौनक आ जाती है। पार्टी में डांस कॉम्पिटिशन होता है, सारे कपल्स डांस करते हैं। अब बारी आती है जेट और डेविड की, और डांस करते हुए एक दूसरे के प्यार की गर्मी को महसूस करते हैं कि तभी लाइट चली जाती है। डेविड एक कैंडल के साथ जेट का हाथ पकड़कर उसे दूसरे कमरे में ले जाता है और वो वहाँ एक दूसरे को किस करते हैं। जेट के फादर जेट को बुलाते हैं और जेट को डेविड के साथ कमरे से बाहर निकलते हुए देखकर उसके फादर समझ जाते हैं उनके रिश्ते के बारे में। ह्यू डेविड को अस्वीकार कर देता है, ये महसूस करते हुए कि वो उसकी बेटी की मेडिकल स्कूल इंटर्नशिप पर नेगेटिव प्रभाव डालेगा। डेविड ह्यू के आगे काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो जेट को सच्चे दिल से प्यार करता है और उसे हमेशा खुश देखना चाहता है, लेकिन ह्यू उसे प्यार से जाने के लिए बोलता है। लेकिन जेड बिना किसी को बताए चुपके से बाहर जाती है और डेविड को स्मूच करती है और उसे गुड नाइट बोलकर वापस आती है। अब दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो चुके होते हैं। डेविड जेड के मृत भाई क्रिस की कार को ठीक करके ह्यू को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ ह्यू का ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली का दिल जीत लेता है। और एंड डेविड को
डिनर पर इनवाइट करती है। रात को डिनर पर ह्यू डेविड से पूछता है कि फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है। डेविड बताता है कि मैं आगे पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं अपने फादर के गैराज में ही काम करना पसंद करता हूं। और साथ ही वो कहता है कि मैं ज्यादा पैसा नहीं कमाना चाहता, मैं ज्यादा बड़ा लाइफस्टाइल भी नहीं चाहता, मैं एक सिंपल जिंदगी चाहता हूं। और हाँ, एक सुंदर वाइफ भी। ह्यू बोलते हैं, वाकई तुम तो आज के रोमांटिक हीरो की तरह लगते हो। और साथ ही उन्हें नसीहत देते हैं कि प्यार ही सब कुछ नहीं होता। जेड डेविड को उसी रात अपनी स्टडी में बुलाती है और दोनों वहाँ इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जेड डेविड को बताती है कि 2 वीक के बाद वो अपने मेडिकल इंटर्नशिप के लिए चली जाएगी, लेकिन डेविड इसे अपॉर्चुनिटी मानते हुए कहता है कि हमें ये वक्त साथ गुजारना होगा, भले ही वो 2 साल हो या 2 हफ्ते या 2 दिन। अब वो रोज एक दूसरे से मिलते हैं। जेड डेविड के प्यार के वो हर रंग देखती है जो डेविड उसे दिखाना चाहता था। 2 हफ्ते कैसे बीत गए उन दोनों को पता ही नहीं लगता। हफ्ते के आखिरी दिन जब डेविड जेड को ड्रॉप करने के लिए उसके घर जाता है, जेड और डेविड एक दूसरे को किस करके अपने अपने रास्ते पर जाने लगते हैं कि अचानक जेड दौड़ के डेविड के पास जाती है और डेविड से कहती है कि मुझे नहीं जाना इंटर्नशिप करने के लिए, मुझे प्लीज यहीं रोक लो अपने साथ। डेविड भी उसे गले लगाते हुए बोलता है, मैं भी यही चाहता हूँ। अब दोनों एक साथ छुट्टियां बिताने का फैसला करते हैं। जेड अपने रूम में अनपैकिंग कर रही होती है कि उसके फादर वहां आते हैं और उसे अनपैकिंग करते हुए देखकर बोलते हैं, ये क्या कर रही हो जेड? जेड बताती है कि मैं इंटर्नशिप में नहीं जा रही हूँ। ह्यू बोलते हैं, जिसका मुझे डर था वही हुआ। जेड को हिदायत देते हुए कमरे से बाहर जाते हुए कहते हैं कि तुम जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम बाद में पछताओगी। अगले दिन जेड को पता लगता है कि उसके फादर ने फैमिली के साथ लेक हाउस पर वीकेंड स्पेंड करने का प्लान बनाया है। जेड अपने फादर के पास जाती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती डेविड को छोड़कर कि मैं वहां जाऊं, लेकिन उसके फादर उसे जबरदस्ती लेक हाउस ले जाते हैं। वहीं अब डेविड आगे पढ़ाई के बारे में सोचता है और अपने पिता को अपना फैसला बताता है, जबकि जेड लेक हाउस में एक डेड बॉडी की तरह रहती है। और अचानक डेविड वहां पहुंच जाता है। जेड डेविड को देखकर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे डेड बॉडी में जान आ गई हो, जबकि ह्यू डेविड को देखकर नाराज होता है और कहता है ये फैमिली गैदरिंग है। जेड बड़े ही कॉन्फिडेंस में बोलती है कि ये मेरा गेस्ट है और ये यहीं रहेगा। ये देखकर जेड का भाई कीथ बोलता है, लड़की में जोश आ गया। अगले दिन ह्यू डेविड से सॉरी बोलता है और कहता है कि तुम्हारे आने पर मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गया था। कि तभी ह्यू के फ्रेंड्स लेक हाउस पर पहुंचते हैं और ह्यू उनका वेलकम करने के लिए चला जाता है। शाम को सब आतिशबाजी का मजा ले रहे होते हैं और डेविड कुछ ढूंढने के लिए गैराज में जाता है और वो ह्यू को अपनी फ्रेंड को किस करते हुए देख लेता है। और तभी वहाँ जेड आ जाती है, लेकिन डेविड जेड को बाहर ले जाता है ताकि जेड को इस बारे में पता ना चले। अगले दिन ह्यू डेविड को अपनी बोट में पानी के बीच ले जाकर डेविड को धमकी देता है कि अगर तुमने मुंह खोला तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। डेविड बोलता है कि मैं वैसे भी जेड को यह बताने वाला नहीं था, अगर उसको इस बारे में पता लगेगा तो शायद वो टूट जाएगी। अब डेविड जेड और कीथ और कीथ की गर्लफ्रेंड सबाइन साथ में डेविड के एक्स जेन की पार्टी में जाते हैं, जहां डेविड का फ्रेंड मेज उसे बताता है कि लेट नाइट को वो किसी लोकल जू में जा रहे हैं जहां वो नशे के साथ मौज मस्ती करेंगे, लेकिन डेविड मना करता है। जेड जोर देकर कहती है कि हम चलेंगे और वो उस लोकल जू में जाते हैं और काफी मस्ती करते हैं। वहीं जेड की मदर एन ह्यू को बता रही होती है कि जब से डेविड जेड की जिंदगी में आया है वह जिंदा दिखने लगी है और काफी खुश भी। जू में डेविड की एक्स डेविड और जेड को किस करते हुए देखती है और जेलस होकर पुलिस को कंप्लेंट करती है कि जू में कुछ यंगस्टर्स घुस आए हैं। अब पुलिस वहां पहुंच जाती है, डेविड सबको बचाते हुए खुद गिरफ्तार हो जाता है। अब जेड अपने पेरेंट्स के पास जाती है ताकि वो डेविड को छुड़वा ले, लेकिन ह्यू जेड को बताता है कि वह जेल में पहली बार नहीं गया और उसका पुराना चिट्ठा निकालकर जेड को दिखाता है जो कि उसने डेविड पर जासूसी करवा कर निकलवाया था। जेड ये सब मानने से इनकार कर देती है। ये सुनकर एंड डेविड की मदद के लिए आगे बढ़ती है और जेड ह्यू से कहती है, प्लीज डैड उसे निकलवा लो, मैं उससे प्यार करती हूँ। लेकिन ह्यू जेड के सामने एक शर्त रख देता है कि वह इंटर्नशिप के लिए जाएगी और जेड हाँ कर देती है। अब ह्यू डेविड की बेल करवाता है और डेविड से कहता है कि अब जेड से दूर रहे क्योंकि वह इंटर्नशिप के लिए जा रही है, ये छुट्टियों की मौज मस्ती थी बच्चे, ये सब भूल जाओ। और साथ ही वह डेविड के पिता के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है। ये सुनकर डेविड ह्यू को घूसा मार देता है और ह्यू डेविड को कहता है कि यही तुम्हारी असलियत है जो आज बाहर निकल कर आई है, ये कहकर वो चला जाता है। ह्यू घर आकर जेड और एन
को सारी बात बताता है और कहता है कि मैंने जब डेविड को बताया कि जेड इंटर्नशिप के लिए जा रही है तो वह बेकाबू हो गया और उसने मुझे घूसा मारा। जेड डेविड से मिलने के लिए भागती है और उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहां डेविड और उसका फ्रेंड मेज ज्यादातर खाना खाते हैं। जेड डेविड को एनी के साथ देखती है जिसे मेज ने चुपके से बुलाया था। उन्हें एक साथ देखकर जेड और भड़क जाती है। डेविड जेड के पीछे भागता है और उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन जेड गुस्से में कार में बैठकर वहां से चली जाती है। लेकिन डेविड उसका पीछा करता है उसे समझाने के लिए और जल्दबाजी में जेड अपनी कार का एक्सीडेंट कर देती है और चोटिल हो जाती है। डेविड उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है। ह्यू डेविड के फादर हैरिस से मिलता है और उसे धमकाता है कि इस एक्सीडेंट में मेरी बेटी की जान भी जा सकती थी और साथ ही ये कहता है कि अगर डेविड मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई दिया तो वो उसे फिर से जेल में डलवा देगा। जेड हॉस्पिटल से ठीक होकर डेविड से मिलने के लिए उसके घर जाती है लेकिन हैरिस उसे मिलने नहीं देता। अब जेड अपनी इंटर्नशिप के लिए चली जाती है और डेविड अपने फादर के गैराज में हेल्प करने लगता है। अगले कुछ महीनों में डेविड और जेड एक दूसरे को भूलने की कोशिश करते हैं लेकिन दोनों ही भूल नहीं पाते। वो हर जगह एक दूसरे को महसूस करते हैं और दुखी रहते हैं। अब डेविड के फादर उसके पास आते हैं और उसे समझाते हुए बताते हैं कि अपने प्यार के लिए लड़ना पड़े तो लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने पिता से ऐसी बातें सुनकर डेविड को जोश आ जाता है। अब डेविड एक किताबों की दुकान पर एन से मिलता है और एन उसे बताती है कि वो उसके और जेड के प्यार की कितनी कद्र करती है और साथ ही बताती है जेड छुट्टियों के लिए घर आने वाली है और अब एन डेविड के लिए एयरपोर्ट पर जेड से मिलने की व्यवस्था करती है। एन और ह्यू दोनों ही जेड को एयरपोर्ट पर लेने जाते हैं और कार में बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। एन ह्यू से पूछती है कि तुमने डेविड के लिए सिफारिश का लेटर भेजा था और ह्यू बोलता हाँ मैंने भेजा था। तभी एन बताती है कि मेरी कॉलेज के सीनियर से बात हुई थी, उन्हें वह लेटर मिला ही नहीं था। अब एन ह्यू को बोलती है कि बस करो तुम, उस लड़के की जिंदगी बर्बाद क्यों करना चाहते हो। ह्यू एन से पूछता है कि क्या तुम डेविड से मिली थी और क्या तुमने जेट के आने के बारे में भी उसे बता दिया। एन हाँ बोलती है। ह्यू एयरपोर्ट के अंदर दौड़ कर जाता है और वहीं उसकी नजर डेविड पर पड़ती है। डेविड एयरपोर्ट के अंदर की तरफ भागता है और जेड को रास्ते में ही चुपके से पकड़ लेता है। जेड उसे बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे फादर को पता लग गया तो वो तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। अब डेविड जेड से कहता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे और नई जिंदगी शुरू करेंगे। ये कहते हुए डेविड जेड से पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो और जेड डेविड को चूमते हुए हाँ कहती है और उसके साथ जाने के लिए भी हाँ कहती है। घर पर कीत और सबाइन क्रिश के कलेक्शन से रिकॉर्ड सुन रहे होते हैं कि तभी ह्यू आता है और उन्हें बंद करने को कहता है और साथ ही कहता है कि तुम्हें चीजों की कद्र नहीं है। ये सुनकर कीत और सबाइन घर छोड़ने का फैसला करते हैं और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं कीथ एन को सारी बात बताता है। अब एन भी उनके साथ घर छोड़ने का फैसला करती है और उनके साथ चली जाती है। गुस्से में जेड अंदर जाती है और ह्यू से बात करती है और कहती है कि आपने ही कहा था या तो डेविड को चुनो या अपने करियर को, तो मैं आज आपको अपना फैसला सुनाती हूँ, मैं डेविड को चुनती हूँ। अब जेड अपना सामान पैक करके घर से बाहर निकलती है। डेविड घर के बाहर जेड का इंतजार कर रहा होता है। डेविड को देखकर ह्यू को गुस्सा आ जाता है और वो हथियार से उस पर हमला करने की कोशिश करता है और जेड चीख कर बोलती है बस करो अब और नहीं। ह्यू वहीं रुक जाता है और वापस अपने घर में चला जाता है। जैसे ही जेड और डेविड घर से बाहर निकल रहे होते हैं कि अचानक वह घर में आग देखते हैं। अब डेविड दौड़कर ह्यू को बचाने के लिए जाता है और बचाते हुए डेविड भी फंस जाता है। अब ह्यू भी डेविड की मदद करता है। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और दोनों आग से बाहर निकल आते हैं और ह्यू को अपनी गलतियों का एहसास होता है। एन और ह्यू अलग हो जाते हैं। जेड और डेविड से प्रेरित होकर अपने प्यार को फिर से खोजने के लिए नई कोशिश में लग जाते हैं। डेविड सबाइन और कीथ की शादी में बेस्ट मैन बनता है। दोनों कपल समुद्र तट पर जश्न मनाते हैं। जेड डेविड के प्यार को याद करती है कि कैसे उसके पहले प्यार ने उसकी जिंदगी बदल दी, वह रिश्ता जो वो साथ साझा करते हैं और इस एंडलेस लव को चाहे हमें लड़कर ही हासिल हुआ हो लेकिन वो इसके लायक। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, चाओ।